अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिश के कोफ्ते बना रहे हैं। उसके लिए मैंने 1 kg की एक फुल फिश ली है। उसके जो है वो बड़े पीसेस कट किए हैं। अब उसे हम पानी में नमक डाल के और बॉईल कर लेंगे। ये हम पीसेस जो है वो पानी में हमने सॉल्ट डाल लिया है। अब इसमें हम ये डाल देंगे। हेड छोड़ दिया हमने, बस हेड यहाँ छोड़ दिया हमने। और ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा, फिर हम आगे प्रोसेस इसका स्टार्ट करते हैं। फिश हमारी बॉयल हो गई है, अब हम इसके जो है वो कांटे रिमूव कर लेंगे और इसमें बाकी मटेरियल ऐड करेंगे। ये देखें, कांटों के साथ साथ हमें इसकी स्किन भी हटानी है। स्किन को भी हटा देंगे। ये देखें, ये फिश, ये कांटे हमने अलग कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे हाथ से, ताकि आपको पता लगे कि इसमें और कांटे कोई ना रहे हैं। वैसे तो अपने बड़ी फिश लेंगे तो उसमें कांटे ज़्यादा नहीं होते, जैसे अभी इसमें थोड़े ही निकले। अब इसमें हम जो है वो हायर मटेरियल ऐड करते हैं अपना। ये किसमें छोटी प्याज हम ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड कर दी हमने, 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके, प्याज और हरी मिर्च दोनों ऐड किए। इसमें ऐसे नीले का पेस्ट डालेंगे। ये मेरे पास जीरा, धनिया और साबुत मिर्च है वो पीस के पाउडर बना हुआ है। ये मसाला ग्राइंड करके मैंने रखा है, ये हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा। साथ ही हम जो है वो 1 टीस्पून अजवाइन इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जो है हम इसमें हल्दी डालेंगे, टर्मेरिक पाउडर। और 2 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें एक एग जो है वो तोड़ के वो डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके और इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे, बॉल्स बना लेंगे छोटे छोटे। 1 टीस्पून जो सॉल्ट डाला इसमें, सॉल्ट ऑलरेडी हमने बॉईल किया, फिर सॉल्ट डाल कर उसमें हम थोड़ा नॉर्मल रखेंगे। ये देखें, ये हमारी बॉल्स जो हैं वो फिश मीट बॉल्स रेडी हैं। कोफ्ते बना लिए हैं हमने फिश के, और ये ऑलमोस्ट 12 जो है वो हमारे पास रेडी हुए। इसको हम फ्राई कर लेंगे, कोफ्ते ऐड करेंगे। ये देखें, कोफ्ते हमारे जो है वो रेडी हो गए हैं फिश के। अब हम जो है वो ग्रेवी के लिए मसाला जो है वो तैयार करते हैं। उसमें हम डालेंगे ग्रेवी के लिए मसाला, हमने जो है वो ले लिया है प्याज, वो हमने कट किया, 2 टमाटर कट किए हैं, 4 to 5 जो है वो ग्रीन चिलीज़ हरी मिर्चें ले लिए हैं। इसको हम जो है ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह। पहले प्याज को फ्राई करेंगे और फिर उसको गोल्डन ब्राउन, बस हमें लाइट सा करना है, इसे लाइट ब्राउन करना है, और फिर उसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करके ग्राइंड करेंगे। ये हमने 2 प्याज उसी ऑयल में जो है वो उसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उसमें हमने डाल दिए हैं, और ये लाइट से हम जो है वो फ्राई करके और इसको ग्राइंड कर लेंगे टमाटर हरी मिर्चों के साथ। 2 टेबल स्पून ओवर डाल के हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसमें मसाला ऐड करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें सॉल्ट ऐड कर लें। 8 टेबल स्पून है वो इसमें हल्दी, 2 टेबल स्पून है वो 2 to 3 टीस्पून हम इसमें मिर्चें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मसाले को जो है वो भून लेंगे। उसके बाद पानी ऐड करेंगे और कोफ्ते इसमें डाल के जो है वो रेडी करेंगे। मसाला जो है वो अच्छी तरह भून गया, अब इसमें हम पानी डालेंगे ताकि ग्रेवी बन जाए, और फिर इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखें, ग्रेवी हमारी रेडी है।
और हम कोफ्ते ऐड कर देते हैं वन बाय वन। रेडी है इसमें हम धनिया और गरम मसाला ऐड करेंगे थोड़ा सा। यम्मी फिश कोफ्ता जो है वो हमारा रेडी है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के हैं। फ्राई फिश तो खाते रहते हैं करीबी, इसकी खाते ही हैं रेगुलर यूज़ में आती है ये, ज़रा डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अच्छी लगेगी, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। और कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कैसी बनी है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।